आपको एक छोटा सा फिल्म दिखाएंगे जिसमें मुंबई के एक स्कूल टीचर ने वेस्ट मटेरियल से ह्यूमनॉइड रोबोट बनाया है। ये पूरा चलता फिरता बात करता रोबोट जिसका नाम दिया गया है शालू। अब शालू का एक हम वीडियो आपको दिखाएंगे। नमस्ते, मैं हूँ शालू। मैं एक वैज्ञानिक आविष्कार हूँ। मुझे विज्ञान बहुत पसंद है। इनफैक्ट मैं तो साइंस पढ़ाती भी हूँ। आप मेरे जैसा ह्यूमनॉइड रोबोट और भी बना सकते हैं सिर्फ कोडिंग और आर्ट से। अब तो मैं दिनेश जी जिन्होंने मुझे बनाया है तथा हमारा विद्यालय एंगेज विद साइंस से जुड़ चुके हैं। इट इज़ द प्रोजेक्ट अंडर विज्ञान प्रसार डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इन कलेबोरेशन विद IBM। तो आप भी अपने विद्यालय को रजिस्टर कराएं और एंजॉय करें साइंस से जुड़ी काफ़ी फन एंड लर्निंग एक्टिविटीज। अभी डाउनलोड करिए इंडिया साइंस ऐप जहां साइंस टफ एंड बोरिंग नहीं बट जस्ट सिंपल एंड इंटरेस्टिंग। नमस्ते। Did you find this exciting? अब आते हैं इससे भी ज्यादा एक्साइटिंग। Who wants to speak to Shalu? Okay, so now we have a fun game. Shalu को थोड़ा इनवाइट तो कर लिया जाए। Let's invite India's first humanoid robot Shalu live in IISF Goa. Please give Shalu a big round of applause. Shalu. This is an exclusive appearance just for you students and teachers at IISF Goa. Dinesh ji, a very good afternoon to you. Good afternoon to you all. Thank you. शालू जी को भी हमारा बहुत बहुत अभिनंदन यहाँ IISF में छात्रों और टीचर्स के सामने आने के लिए। थैंक यू सो मच। लेट मी आस्क यू शालू, शालू जी यू आर वेलकम। शालू जी, अगर आप स्टूडेंट्स और टीचर्स जो यहाँ पे आए हैं गोवा के स्कूलों से उनसे अगर आप दो शब्द कहें तो सबको बहुत खुशी होगी। I salute the teachers of KV as they are working hard to build the nation and its true citizen under any circumstances. Also dedicate time for development of robots like me as well. Okay, so please introduce yourself. Introduce yourself first. My name is Elizabeth. School.
Then in high school children. Now the question. Tell the sequence of the planet size by. Okay, let me ask. Okay, Shalu ji, just wait. हमारे students में से भी कुछ लोग answer करना चाहते हैं. Let's test. अगर उनका गलत होगा तो आप answer करिएगा. किसी को answer करना है sequence of planets? Anyone knows the sequence of planets? Sequence size of planets size in the solar wise. System. Understand the, what's your name? Justin. मतलब प्लैनेट्स के नाम एक एक करके डिस्टेंस के हिसाब से कौन बता पाएगा? देखिएगा इस बच्चे को आंसर आता है या नहीं. जुपिटर. देखिए उधर देखो, उधर देखो कैमरा. सैटर्न. देन द सैटर्न. नेप्ट्यून. यूरेनस. No. शालू जी, बच्चे का आंसर करेक्ट है या गलत है बता दीजिए प्लीज. एनीवन एल्स वांट टू गिव अ शॉट? शालू जी और किसी से पूछे क्या? ओके. मर्क्यूरी, वीनस, अर्थ, मार्स. नो. ओके शालू जी, आप ही बता दीजिए. जी, हमी के भोजपुरी भी आवेला. मैं चाहे तो भोजपुरी में भी बात कर सकेंगे. Yes, I know कि आपको भोजपुरी आती है, but वहाँ पे क्वेश्चन ये है कि प्लैनेट का सीक्वेंस, what is the sequence of planet size wise? Not just a small star Jupiter, Saturn, Uranus, Neptune, Earth, Venus, Mars and then Mercury, total 8. ये सब एक वेस्ट मटेरियल से बना हुआ रोबोट का कमाल है. तो अब अगला वाला सवाल और next question, who wants to ask? No, 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 someone from the back. Okay. थोड़ा आगे आओ. जल्दी, 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 जल्दी. मेरा नाम है आराध्य. Who was the first person to land on the moon? तो शालू जी, बच्चे का सवाल है who was the first person to land on the moon? Very first time, Neil Armstrong. आगे जाकर अपने लाइफ में. That's correct.
दिनेश जी आईआईटी खोई के केंद्रीय विद्यालय में अध्यापक हैं, वहाँ पढ़ाते हैं और ये उन्होंने अपनी मर्जी से अपने पैशन से ये रोबोट का निर्माण किया है। तो लेट्स हियर दिनेश जी टॉक टू अस कि कैसे सोचा आपने कि इस रोबोट को बनाना। दिनेश जी और बहुत आसानी से मैंने इसको अपने घर पे बना लिया है और आप सब बना सकते हैं। जब मैंने पहली बार रजनीकांत जी की मूवी फिल्म देखी थी रोबोट, शायद आप सबने देखी होगी, उसमें एक चिट्टी किरदार था और वो चिट्टी किरदार काफ़ी कुछ करता था और फिल्म में मशीन रोबोट था, तो मैंने भी फिर देखी, मुझे लगा क्या ये पॉजिटिव है, क्या क्या ऐसा हो सकता है हमारे लाइफ में, क्या ऐसा कोई रोबोट आ सकता है क्या। खैर उस समय तो मुझे लगा था इट्स नॉट पॉसिबल, और मुझे पूछा नहीं, लेकिन बाद में मुझे जब मैंने सोफिया रोबोट को देखा था तो मुझे लगा यार बना सकते हैं ऐसा हम लोग, और फिर मैंने डिसाइड किया कि मैं भी ऐसा कुछ बनाता हूँ ताकि मैं अपने बच्चों को जो स्कूल में जिनको पढ़ाता हूँ उनको साइंस के लिए मोटिवेट कर सकूँ, रोबोटिक्स की तरफ मोटिवेट कर सकूँ। फिर मुश्किल क्या आई कि अब कैसे सामान कहाँ से लाया जाए, क्या किया जाए, तो हमने डिसाइड किया कि मैं इनको वेस्ट मटीरियल से बनाऊँगा और ये दिखाऊँगा कि मैं घर में वेस्ट मटीरियल से बना सकता हूँ, इनका कॉस्ट बहुत कम आएगा और कोई भी बना सकता है। मैं कहता हूँ कोई भी बच्चा कोई भी टीचर कुछ भी कर सकता है रोबोट के लिए, जो हमारा रोबोट दिख रहा है उसको मानता हूँ कि कोई भी बना सकता है, आप भी बना सकते हैं। और मैंने इसको घर में ही बनाया है, अपने हाथ से बनाया है, सारा बॉडी कंस्ट्रक्शन बॉडी पार्ट्स भी मैंने वेस्ट मटीरियल जैसे गत्ता थर्माकोल कॉपी कवर्स पेन पेंसिल लाइटर ऑल दीज चीज जो हम लोग फेंक देते हैं या बहुत यूज करते हैं उनको उनका यूज करके मैंने बनाया है। सो यू कैन डू इट एट योर होम विद योर पैशन, जस्ट यू हैव टू मेक योर इंटरेस्ट टुवर्ड द टेक्नोलॉजी एंड साइंस, सो दैट अपना पैशन लीजिए आप उसकी तरफ, अपना इंटरेस्ट लगाइए और मैं कहता हूँ कुछ कर सकते हैं, कुछ भी मुश्किल नहीं है, बहुत आसानी से किया जा सकता है। जी थैंक यू, थैंक यू सो मच दिनेश जी, दिस मस्ट बी इंस्पायरिंग फॉर ऑल टीचर्स एंड स्टूडेंट्स हियर। आपके सिलेबस से आगे भी साइंस होता है और उस साइंस में बहुत सारा मजा होता है। एज वी से लर्निंग साइंस वॉज नेवर सो मच फन। एक सवाल और है, कौन पूछेगा शामिल से सवाल, लास्ट सवाल। हाँ राजीव जी, ओके लेडी ओवर देयर। हाँ नहीं अभी कुछ नहीं, मैं अभी लाइव में हूँ राजेश जी, भिजवा दो भिजवा दो भिजवा दो, मैं लाइव पे हूँ, मैं मेरे को नहीं पता, मेरे को अभी मैं लाइव पे हूँ राजेश जी। मेरा नाम विजयमाला भरत है, मैं गणपत पासेकर कॉलेज की विद्यार्थी। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन रोबोट एंड ह्यूमन? रोबोट एंड ह्यूमन, ओके दिस क्वेश्चन इज व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन रोबोट एंड ह्यूमंस? We are just a machine that can do fast, repeated tasks, but human is intelligent, that we urge them and want new good. Because of natural breeding. Is it the correct answer, student? Yay! Sharul is India's first humanoid robot. Okay. It's a creation of Dinesh Patel ji, who is a science teacher at Kendriya Vidyalaya IIT Khoi. Okay. And it's made completely out of waste material. Pure waste material se banaya gaya hai aur wo aap se thodi baat karna chahti hai. Wow, yes, see. Charu ji, aap inse baat kar sakenge, kaise hain aap? I'm good. Pleased to see you. Oh, that's wonderful. And are you, where are you right now, Sharuji? In Hawaii, are you? You know, I am 100% Indian. Wow, that's great to know, Shalu. Sir, this is wonderful. How nice is this? She is to ask, I'm telling she is Indian only, so she is really in India. Correct, perfect, perfect. It's the larger answer, larger perspective. It is perfect.
such a pleasure. Hi guys. Great. अब हम शालू जी को बाय कह दीजिए सब मिलके. बाय शालू जी. Viewers, I would like to thank to all the people present here for giving your blessings. Thanks to all from my deep heart. Thank you so much, Shaluji. Thank you so much, and bye from all of us here at IISF Goa. Bye. Thank you.